दोस्तों क्या है नियर मिस, अगर आपके साइट पे किसी भी तरीके का एक इंसिडेंट होता है लेकिन उससे किसी को भी इंजरी या किसी भी प्रॉपर्टी का डैमेज नहीं होता तो उसे हम नियर मिस कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो नियर मिस तो सभी लोगों को पता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से नियर मिस रिपोर्ट या नियर मिस का जो पोस्टर सेफ्टी कैंपेन्स के लिए वो बनाया जाता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में सेफ्टी सुपरवाइज़र ऑफिसर या इंजीनियर बन के काम करते हो तो ये आपको ज़रूर आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे वर्क प्लेस में जो जो नियर मिस मैंने फेस किए उसके बारे में, जो जो मैंने कैंपेन पोस्टर्स बनाए हैं, रिपोर्ट्स बनाए हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप भी अपने वर्क साइट पर अगर ऐसे नियर मिस को फेस करें तो किस तरीके से आप रिपोर्ट बनाएं उसके बारे में आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा। तो चलिए बाकी का कंटेंट देखते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको अपने नियर मिस रिपोर्ट के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नियर मिस रिपोर्ट या कैंपेन पोस्टर बनाने के लिए नियर मिस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है डेट, ये नियर मिस कब कौन से डेट में हुआ है, टाइम, लोकेशन आपके कौन से एरिया में या कौन से एरिया कोड में किस जगह पे हुआ है, सब कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट नेम अगर है तो, जैसे अगर आप क्लाइंट कंपनी हो तो आपके सब कॉन्ट्रैक्टर से हुआ है तो उस सब कॉन्ट्रैक्टर का नाम या फिर आपकी कंपनी का नाम। फिर आता है डिस्क्रिप्शन कि जिसमें आपको पूरा इंसिडेंट आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। फिर आता है इमीडिएट और रूट कॉज, उस नियर मिस का इमीडिएट कॉज या कारण क्या था। और उसके बाद आता है लेसन्स लर्न एंड करेक्टिव एक्शंस, जिसे हम कहते हैं कि आपने इस नियर मिस से क्या सीखा और किस तरीके से आप इस नियर मिस को फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकते हो, क्योंकि आज का जो नियर मिस होता है वो कल का एक्सीडेंट होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है आज का नियर मिस टॉपिक। तो दोस्तों शवल हिट इलेक्ट्रिकल सर्विस केबल बहुत ही सिंपल है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या हुआ। तो 25 सितंबर 2019 को मेरे वर्क साइट पे मेरे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के कुछ लोग जो मैनुअल एक्सक्यूशन कर रहे थे हमारे ऑयल रिफाइनरी एरिया में, तो मैनुअल एक्सक्यूशन के टाइम पे क्या हुआ, अराउंड 11:40 पे क्या हुआ, ये लोग जब शवल से यूज़ करके कर रहे थे तो 90 सेंटीमीटर तो इन लोगों ने खुदाई कर ली, उसके बाद में थोड़ा हार्ड सॉइल आ गया, तो इन लोगों ने अपने शवल पे क्या करते हैं, ये लोग जो हेल्पर्स होते हैं वो पैरों से उसको थोड़ा फोर्स करते, तो क्या होता है पैरों से फोर्स करने पे शवल थोड़ा डीप अंदर की ओर चला जाता है, तो क्या हो गया एक्सीडेंटली वो जाके एक इलेक्ट्रिकल केबल पे टच हो गया। तो इलेक्ट्रिकल केबल पे टच होने से एक शॉर्ट सर्किट हुआ और स्मोक आना शुरू हो गया, और थोड़ी देर बाद जो इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर होता है वो भी ट्रिप हो गया, जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम से हमारे टेक्नीशियन ने कंफर्म कर दिया। तो स्मोक आने पे क्या हुआ, उसी टाइम जो वर्क फोर्स थी वो फाउंडेशन पिट से बाहर आ गई। जी हाँ, मैं बताना भूल गया, ये जो था वो सिविल वर्क चल रहा था, तो काम क्या था, वो हार्ड बैरियर जो होता है उसका फाउंडेशन वर्क था। तो जैसा कि मैंने कहा कि पूरी जो वर्क फोर्स थी वो बाहर आ गई। तो ये था डिस्क्रिप्शन, ये है डिस्क्रिप्शन। अब इसमें इमीडिएट कॉज क्या होगा, रूट कॉज क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों इसमें इमीडिएट और रूट कॉज जो होता है वो आपको प्रायोरिटी बेस पे बोलना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो होता है वो है लैक ऑफ सुपरविजन, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर सुपरविजन था नहीं, इसलिए ये नियर मिस हैपेंड हुआ। दूसरा है वहाँ पे जो अंडरग्राउंड यूटिलिटी केबल्स जो होते हैं उसकी ड्राइंग जो है वो अपडेटेड नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास में अपडेटेड ड्राइंग होती तो आपको पता होता कि वहाँ पे केबल होने का चांसेस है 90 सेंटीमीटर के बाद। इसी तरीके से स्कैनिंग रिपोर्ट है वो अवेलेबल होती है लेकिन वो भी अपडेटेड नहीं थी। तो स्कैनिंग रिपोर्ट क्या होती है, जैसे कि सब कंपनियों में एक्सकर्शन परमिट लेने से पहले या अप्रूव करने के पहले ही जो होता है वो आपको वहाँ पे केबल टेस्टर सब यूज़ करके आपको पता लगाना पड़ता है कि अंडरग्राउंड केबल्स है कि नहीं है, और वो जो रिपोर्ट्स होते हैं वो स्कैनिंग रिपोर्ट्स होते हैं वो आपको हमेशा परमिट के साथ में अटैच करना पड़ता है। तो ये जो स्कैनिंग रिपोर्ट है वो भी अपडेटेड नहीं थी। तो ये है मेन इमीडिएट रूट कॉसेस।
तो अब हम अगला देखेंगे कि लेसन्स लर्नड या करेक्टिव एक्शंस क्या है। लेसन्स लर्न इसलिए हम लोग पॉइंट्स में लिखते हैं कि जब दूसरा कोई बंदा इस नियम इसको आपकी रिपोर्ट को या पोस्टर्स को पढ़े तो उसे समझ में आ जाए कि क्या 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 करना चाहिए फ्यूचर में इसको अवॉइड करने के लिए। तो लेसन्स लर्न में आता है कि डेडिकेटेड सुपरविजन होना चाहिए हर लोकेशन पे, जहाँ पे भी एक्सकेवेशन हो रहा हो, मैन्युअली हो या मैकेनिकल हो, वहाँ पे एक सुपरविजन होना चाहिए डेडिकेटेड। दूसरा है अपडेटेड अंडरग्राउंड जो ड्राइंग्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए। इसी तरीके से स्कैनिंग जो भी होता है वो पूरा कर लिया जाना चाहिए और स्लिट ट्रेंचेस प्रोवाइड करना चाहिए। अब दोस्तों मैं बताऊंगा आपको स्लिट ट्रेंचेस क्या। तो स्लिट ट्रेंचेस जो होता है वो हम छोटा सा, जैसे कि हम बोलते हैं ना डेमो मोड, जैसे बोलते हैं ना हम डेमो या फिर टेस्टिंग सैंपल बोलते हैं ना, उसी तरीके से एक छोटा सा स्लिट करके एक ट्रेंच बनाते हैं। ज़्यादा बड़ा डीप एक्सकेवेशन करने की जगह एक स्लिट ट्रेंच बनाते हैं ताकि उससे हमको जहाँ पे डाउट है केबल जा रहा है वहाँ पे एक स्लिट ट्रेंच बना के हम लोग पता लगाते हैं कि वहाँ पे केबल है कि नहीं है। तो वो एक अच्छा करेक्टिव एक्शन है। उसके अलावा जो होता है ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो इंसिडेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कम्युनिकेट करना चाहिए आपके टीम मेंबर्स को, सारे टीम मेंबर्स को। तो उसके लिए हमको स्टैंड डाउन टूल बॉक्स मीटिंग करना चाहिए। स्टैंड डाउन टूल बॉक्स मीटिंग बोलेंगे तो ये जब इंसिडेंट होता है उस टाइम पे हम लोग वहाँ का जो वर्क होता है वो सारा बंद करके सारे टीम मेंबर्स को टीबीटी देते हैं। तो दोस्तों ये है नियर मिस रिपोर्ट जो होता है उसका डिटेल्स। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये जो नियर मिस टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से दूसरे कुछ और इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ के साथ मैं आऊँगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सपोर्ट कीजिए, आपके जितने भी दोस्त दोस्त लोग हैं उनको भी, उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जितने भी सेफ्टी ब्रदर्स से वो सब लोग अपडेटेड रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।